झांसी अग्निकाण्ड को नहीं कठोर योगी सरकार बार घंटा मध्य रिपोर्ट देवाक झांसी मंडलायुक्त और डीआईजी को निर्देश दोषी विरोध में हो कड़ा कार्यानुष्ठान एवं भी षोह गुरुतर शिशु जीवन सह कर संघर्ष मृतकों पर दस लक्ष टा लेखाएं अनुकंपामूलक सहायता घोषणा अग्निकाण्ड घटना को नहीं दुख प्रकाश कले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दस नवजातों जीवंत दग्ध को नहीं शोक व्यक्त कले सीएम योगी यूपी झांसीराणी मेडिकल कॉलेज अग्निकाण्ड घटनार उच्चस्तरीय तदंत जारी रही निया कबलर 35 नवजातकों उद्धार कर अन्यत्र भर्ती कर गुरुतर 16 शिशु चिकित्सा जारी रही दस मृतकों पर दस लक्ष टा लेखाएं अनुकंपामूलक सहायता राशि घोषणा कर राज्य सरकार केन्द्र सरकार मृत शिशु पर 2 लक्ष टा और हाथों 50,000 टा आर्थिक सहायता घोषणा कर शुक्रवार राति घटी अग्निकाण्ड घटन शोक व्यक्त कर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री संतान को हर पर समबेदना जनवा दोषी विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान निर्देश देते यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हॉस्पिटल में पहुंच स्थिति अनुध्यान करमुख्यमंत्री पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा दूसरी जाँच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष हम प्रदेशी जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। प्रत्यक्षदर्शी दावी अनुसार हॉस्पिटल जड़े नर्स अवहेलू एत बड़ अग्निकाण्ड घटी कुक्रबार विलंबित राति मेडिकल एनआईसीयू रे निया लगी जड़े नर्स एक ऑक्सीजन सिलिंडर पाइप को संजोग करवा बेले एक दियाशिली काठी जली उठा जो वार्ड में अम्लजान व्यापी जावा निया लगी देखु देखु निया व्यापी जाता कहु राति प्राय 10:30 हॉस्पिटल 2 शिशुरोग वार्ड रु गोटे वार्ड में निया लगी शिशुरोग वार्ड में 37 शिशु को तुरंत स्थानांतर कर दमकल बाहिनी पहुंची निया को आयत्त करते। देखिए बहुत दुखद घटना है और निश्चित ही इसमें जो भी लापरवाही हुई होगी उस पर वर्तमान सरकार इस पर ध्यान दे रही है और जिसने लापरवाही की उस पर सख्त कार्यवाही भी होगी। बहुत ही दुखद घटना है, मेरी तरफ से भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उन सभी जो बच्चे नवजात शिशु जो खत्म हुए हैं उनकी आत्मा को शांति दें और निश्चित उनके परिवार को दुख को झेलने की शक्ति दें। तो बच्चा तो भर्ती था, मैं तब सब लोग लेटे थे, आग लग गई तो मुझे पता नहीं चला, जब पता शोर सपाटा हुआ तब मैं उठ के आया तो वहाँ तो आग लग चुकी थी, बंद कुछ नहीं बचा तो मैं बच्चा की तलाश में ढूंढ रहे इसे मिला नहीं, 10 घंटे हो गए अभी तक नहीं हुई। आग लग गई थी रात में, मैंने बच्चा दूसरे को बचाया, मेरा खुद नहीं मिला बच्चा, ना अभी तक मिला है, बताइए क्या करें, अब हमारा बच्चा ही नहीं मिल रहा है, अब कहाँ जाए, किससे पुकार लगाए कि हमारा बच्चा तो दूर गया, कोई यहाँ सुन ही नहीं रहा है, ना कोई बता रहा है कि चलो बच्चा मिलेगा या नहीं मिलेगा। झांसी रो चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट अनुसार एनआईसीयू वार्ड में मोट 54 जन भर्ती होते रिपोर्ट आसवा पर दोषी विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण हो सूचना देते उपमुख्यमंत्री। रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।